Hey welcome YouTube, I'm Aniket and you are watching with study. So today we are going to discuss about the sternum bone, which is also known as the breast bone. So this sternum bone is a long plate of osteocartilaginous structure and uh, it is placed at the middle of the floor of the thoracic cavity. So when we talk about the uh, formation of this bone, so during the development, the coastal cartilage proceed towards the midline at the thoracic floor where they Uh, the end reach towards their uh, fellow opposite side and the mesenchyme between the end of the coastal cartilage ossify to form the sternum. so यहाँ पर अगर मैं explain करूँ तो simple चीज़ क्या होती है कि जो development के time पर जो भी coastal cartilage हैं वो हमारे midline की तरफ proceed करते हैं. ठीक है मिड लाइन की तरफ जब वो प्रोसीड करेंगे तो जो उनका एंड होता है दूसरी तरफ से भी एंड आएगा ठीक है और यहाँ पर जो मिड लाइन पर आकर ये हमारे फ्यूज होंगे तो जो मिजिन काइम है वो ऑसिफाई हो जाएगा कॉस्टल कार्टिलेज का और वो हमारा एक बोन बनाएगा विच इज़ नोन एज द स्टर्नम सो दिस इज द कॉन्सेप्ट एंड दिस स्टर्नम इज कम्पोज ऑफ द सेवन स्टर्नल सेगमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट द कैटल ओके सो जिन सेवन स्टर्नल सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं स्टर्नी ब्रे स्टर्नी ब्रे ओके एंड इट इज़ फ्लैट एक्सेप्टेड्स क्रेनियल एंड विच इज़ कंप्रेस्ड लिटरली ओके सो क्रेनियल एंड जो है वो हमारा कंप्रेस्ड होता है लिटरली बाकी ये हमारा फ्लैट होते हैं अगर मैं एंड्स की बात करता हूँ तो यहाँ पर हमारे दो एंड देखने के लिए मिलते हैं क्रेनियल एंड कॉडल तो जो क्रेनियल एंड है दैट इज़ नोन एज द मेन्यूब्रम एंड इट इज़ फॉर्म्ड बाय द फर्स्ट स्टर्नी ब्रे So you can see here, uh, this is the first, and this is known as the manubrium of the sternum, and uh, it form a diarthrodial articulation with the second segment. Another segment are fused together, and uh, let's talk about the caudal segment. So caudal segment is forwarded by the hyoid cartilage, which is a thin plate-like structure, which is attached to the last sternibray. So that is the caudal aspect of this uh, sternum. डॉर्सली द काटलेज गिव अटैचमेंट टू द डायफ्राम एंड वेंट्रली टू द एबडामिनल मसल सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट यहाँ पर हमारा जो डॉर्सल रीजन होगा इसका वो यहाँ पर हमारा किसको अटैचमेंट देगा ये हमें डायफ्राम को क्योंकि डायफ्राम इस जगह पर होगा राइट right? और अगर मैं वेंट्रली बात करूँगा तो यहाँ पर हमारी जो मसल्स होंगी वेंट्रली वो हमारा एबडामिनल मसल को का वो देगा अटैचमेंट देगा राइट सो द बॉडी ऑफ स्टर्नम इज़ फ्लैट एंड थिक एंड लेट्स टॉक अबाउट द सर्फेस सो दो एंड हो गए अब हम बात करते हैं सर्फेसिस की तो so, सर्फेस भी यहाँ पर हमारी दो ही देखने के लिए मिलती हैं डॉर्सल एंड लेटरल सो डॉर्सल सर्फेस हमारी यहाँ पर वाइड होती है और कवर्ड बाय द सुपीरियर लेगामेंट एंड ट्रांसफर्स थोरासिस मसल एक लेगामेंट होता है एक मसल होती है लेगामेंट है सुपीरियर लेगामेंट एंड मसल है यहाँ पर ट्रांसवर्स थोरासिस मसल लेट्स टॉक अबाउट द लेटरल सर्फेस तो लेटरल सर्फेस पे आपको क्या देखने को मिलेगा पहले तो ये हमारी थिक होती है एंड यहाँ पर आपको सेवन पेयर ऑफ एक्सटर्नल फेसेट देखने के लिए मिलेंगे जिनसे कि हमारा जो रिब्स uh, हैं वो हमारे यहाँ पर आकर अटैच होंगी इन फैसेट्स के अंदर अब देखिए ये नंबर जो है वो अलग अलग हो सकता है कैटल की अभी मैं बात कर रहा हूँ उसके बाद हम बाकी एनिमल्स की बात करेंगे राइट सो फर्स्ट पेयर ऑफ फैसेट आर प्लेस्ड ऑन द डोसो लेटर सर्फेस ऑफ द मैन्यूब्रम एंड the 8th pair coastal cartilage join the sternum between the 6th and 7th sternibrae along with the 7th pair coastal cartilage so this is all about the uh, sternum of uh, cattle and this is how sternum of cattle look like now let's talk about the sternum of different species so first one is the horse so horse's sternum is formed by the fusion of 7 sternibrae okay so there are seven sternibrae in the sternum of a horse the number is important and the most important uh, thing in the sternum of horse is the is its boat shape right so this is very important that the uh, shape of this uh, is like a boat as you can see in the image right and ventrally it present a prominent creased and lateral surface are convex

As always, number is important. We generally do not fuse with each other, as you can see here. These uh, eight sternibrae are uh, are distinct. So this is one, two, three, four, five, six, seven, and eight. So these are distinct. All all are distinct, right? And uh, they may fuse at very old age, but uh, at the young age, they are uh, distinct. The first sternibrae is the longest one, and uh,

कंप्रेस होगा फ्रॉम साइड टू साइड और बाकी जो होंगे वो हमारा डोरसो वेंट्रली वेंट्रेली फ्लैट मतलब कंप्रेस होंगे और जायफर्ड प्रोसेस यहाँ पर हमारा लॉन्ग देखने को मिलता है तो ये आप याद कर लेंगे मेरे पास इसकी इमेज है नहीं पिक की नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रैबिट सो रैबिट का जो स्टर्नम होता है वो हमारा सेवन स्टर्नी ब्रे से हमारा मिल करके बनता है और फर्स्ट सेगमेंट हमारा यहाँ पर लॉन्ग होता है एंड ऑल्सो आर्टिकुलेट विद द क्लैविकल एंड आई ऑन आई साइड द लास्ट सेगमेंट इज़ लॉन्ग एंड द कार्टिलेज इज इन द फॉर्म ऑफ अ एक्सपेंडेड प्लेट एज यू कैन सी हीयर एक्सपेंडेड प्लेट की फॉर्म में हमारा जयफर्ट कार्टिलेज देखने के लिए मिलेगा इन केस ऑफ रैबिट और सबसे इंपॉर्टेंट जो आती है वो है फाउल की स्टर्नी जो कि थोड़ा सा डिफरेंट होती है बाकी एनिमल के कंपैरिजन में सो इट इज़ ए लार्ज रेगुलर प्लेट ऑफ बोन एंड इट इज़ कंपोज ऑफ फोर स्ट्रक्चर्स राइट सो फर्स्ट इज द क्रेनियल मास फर्स्ट वन इज द क्रेनियल मास सेकेंड इज द क्रेनियल प्रोजेक्शन द रॉस्ट्रम एंड थर्ड इज़ द कॉडल caudal extension of the sternum and the uh, fourth one is the lateral process. So, cranial mass, cranial projection, caudal extension and a lateral uh, process. And there are two surfaces, dorsal and the ventral. The dorsal surface of the cranial mass is concave slightly as you can see uh, in the image and the ventral surface present a plate-like bone which is extended up to the sternum. And this bone is known as the sternal creased keel. So, this. This is very important uh, uh, structure and this can be asked in your exam. तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारा स्टर्नल क्रीस्ट और ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो जो वेंट्रल पोर्शन है वेंट्रल जो सर्फेस है यहाँ पर हमारे एक प्लेट लाइक बोन होती है जो कि एक्सटेंडेड होती है मेटास्टर्नम तक और इसे ही हम क्या बोलते हैं स्टर्नल क्रीस्ट या फिर कील बोलते हैं सो so ये आपको याद रखना है ठीक है इसके अलावा यहाँ पर हमारा ये लोअर जाइफॉइड प्रोसेस है एंड ये ऑब्लिक जाइफॉइड प्रोसेस है तो ये पूरा बोन हमारा इस टाइप से ये देखने के लिए मिलेगा और यहाँ पर ये बस ये एक्सटेंशन आपको याद रखना है स्टर्नल क्रीज जिसे हम बोलते हैं तो यहाँ पर ये आपकी फाउल की भी कंप्लीट होती है सो so, यहाँ पर स्टर्नम आपकी कंप्लीट होती है थैंक्स फॉर वॉचिंग इफ यू लाइक दैन प्लीज़ प्रेज अप एंड सब्सक्राइब टू वैद स्टडी